खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही खैरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता रथ भी निकाला गया। इसके अलावा मतदाताओं को मतदान के महत्व से परिचित कराने के लिए रैली, निबंध, रंगोली और नुक्कड़ नाटक जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं प्रलोभन और भयमुक्त मतदान करने के लिए भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है। राजनांदगांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बुजुर्गों, युवाओं और नए मतदाताओं को खास तौर पर मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है ताकि 100% मतदान के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तौर पर अभियान किया जा रहा है और इसके लिए हम जो नए वोटर बने हैं 18 साल जिनकी पूरी और पहली बार वोट करने जा रहे हैं उनके लिए एक विशेष अभियान चला रहे हैं। इसके साथ साथ दिव्यांग मतदाता, 80 साल से ऊपर के मतदाता, सामान्य जो मतदाता हैं उन सब के लिए अलग अलग सेक्टर में अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिला कलेक्ट्रेट में एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसके साथ साथ मतदाता जागरूक रथ जो हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। रैली, निबंध, नुक्कड़ नाटक आदि सभी गतिविधियां हम लोग कर रहे हैं और हम सभी जागरूक मतदाताओं से अनुरोध करते हैं कि वे आने वाले मतदान के दिन 12 अप्रैल को अधिकाधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। गौरतलब है कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्कूलों को मतदान केंद्र बनाया गया है।